राम राम दोस्तों, जय बोले की। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है, मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ। 26 जुलाई है, सुबह के 8:07 हैं, 8 बजने वाले हैं, और अभी त्रिवेणी घाट पर हूँ। और फ्रेंड्स, अभी ना यहाँ पर अलर्ट जारी हो रखा है, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही है पहाड़ों में। यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ मौसम बना हुआ है, आज बारिश का अलर्ट है। लेकिन कई दिनों से यहाँ पर क्या है कि मौसम तो अच्छा था, कभी धूप हो रही, कभी हल्की हल्की बारिश हो रही, लेकिन प्रॉपर वाली बारिश नहीं हुई थी ऋषिकेश में। बट पहाड़ों में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना यहाँ सारे घाट डूब चुके हैं, और अलर्ट जारी भी हो रखा है। आज मेरी गुड़िया की भी स्कूल की भी छुट्टी इसीलिए करी गई है कि मतलब आज का अलर्ट है इसीलिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ के नज़ारे घाट के, त्रिवेणी घाट जहाँ आरती होती है, पूरा घाट इस टाइम डूबा हुआ है। जब लास्ट ईयर मैं आया था ना त्रिवेणी घाट पे अगस्त में, उस टाइम पे तो बारिशें बहुत ज़्यादा थी, तब ये हाल था, जो कि अभी जुलाई में ही हो चुका है इस टाइम पे। तो अभी तो बारिशें नहीं हुई, तब ये हाल है। बारिश होगी तो क्या होने वाला है, तो भाई उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अगर कोई ऋषिकेश आना चाहता है ना, तो बढ़िया है भाई, मौसम वगैरह अच्छा है। भीड़ भाड़ तो भाई देखो, कांवड़ियों की तो बहुत भीड़ है इस टाइम, बाकी मौसम वगैरह बढ़िया है। आपको दिखा देता हूँ बाकी घाट के नज़ारे, आप भी गंगे माँ के दर्शन कीजिए, और देखते हैं अगर किसी और घाट पे गया तो वहाँ का भी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके जी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई त्रिवेणी घाट। देखिए भाई, सिर्फ ये वाली जो पहली वाली सीढ़ियाँ हैं ना, जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, सिर्फ वही बची हैं, बाकी पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर, अब तो यहाँ आरती हो रही थी, ये भी पूरा डूब चुका है। और सबसे पहले तो वहाँ आरती होती थी, वो तो बहुत ही कई दिन हो गए। ये देखो, ये सारी ग्रिल, आगे ग्रिल, तो सारा इस टाइम आपको घाट पानी गंगा जी में डूबा हुआ नज़र आएगा। गंगे माँ के दर्शन बड़े अच्छे से हो रहे हैं, काफ़ी आगे तक जल आ चुका है। कुछ दिन पहले तक भाई मैं यहाँ पर अपना बढ़िया स्नान कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब तो इतना तेज़ भाव है, खड़ा भी नहीं होया जा रहा वहाँ पर, बस ग्रिल पकड़ के मैंने अभी यहाँ पर स्नान करा है इधर। और इस टाइम आपको जितना भी क्राउड दिखने वाला है ना, ज़्यादातर सब कांवड़ वाले आए हुए हैं, जल लेने के लिए आए हुए हैं, और कोई नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आया हुआ है ऋषिकेश। बाकी सब लोग क्या है कि जो लोग आते हैं ना यहाँ हर की पेड़ी आते हैं जल लेने, तो वो एक आध दिन का समय निकाल के यहाँ पर ऋषिकेश घूमने आ जाते हैं, तो उन्हीं का ही क्राउड आपको दिखने वाला है मैक्सिमम। बट ये है कि यार, कईयों को क्राउड में अच्छा लगता है, रौनक होती है, और कईयों को लगता है कि हमें तो यार जब क्राउड ना हो तब जाना चाहिए, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ आए हुए ना 1 घंटा हो चुका है, और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा रौनक है, कितनी भीड़ भाड़ है, और अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। ये तो भाई त्रिवेणी घाट का ना सेल्फी पॉइंट है, जो यहाँ आएगा ना यहाँ फोटो जरूर खिंचवाएगा, आई लव माँ गंगा। दर्शन कीजिए भोले बाबा के, और अभी ना इसमें पानी भर रहा है, तो शायद हो सकता है ये फाउंटेन भी चले, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर ये चलता हुआ देखा नहीं है अभी तक। तो देखिए भाई, कितने सुंदर नज़ारे हैं, गंगे माँ है, उसके बाद आगे सारी हरियाली है, पेड़ पहाड़, और वहाँ देखिए कैसे धुंध धुंध सी नज़र आ रही है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। और
साइड में ऊपर ही ऊपर आता है तो भाई अभी चलते हैं अब हम घर की तरफ। और भाई देखो ये जो आपको मैंने त्रिवेणी घाट का दिखाया ना, जो गंगा जी का जल इतना आगे आया हुआ है, सभी घाटों पे यही नज़ारे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि वहाँ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह ही गंगा जल बहुत ज़्यादा है, सारे घाट डूबे पड़े हैं। और अगर आप रामझूला साइड जाते हैं उसके साथ में गोवा बीच है ना, तो वो बीच पूरी तरह से बिल्कुल डूब चुका है। वहाँ पर अब कोई भी वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखो वहाँ मैं अपनी गुड़िया को लेके जाता था, वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता था खेलने में, उसको मज़ा आता था। लेकिन वहाँ पर भी पूरा घाट डूबा पड़ा है वो वाला भी, उसे गोवा बीच के नाम से जानते हैं। तो चलिए भाई इस वीडियो को ये एंड करते हैं। जय गंगा मैया की, हर हर महादेव।